मतलब जिंदगी में एक चीज तो कंफर्म है कि हम कभी सर उठाकर जी नहीं सकते, मतलब कुत्ते कितना आज एक बार फिर से हमारी गांड मारी है न्यूजीलैंड ने। तीसरा T20 हार गए भाई, तीसरा T20, मतलब कहाँ है वो सारे लोग जो कि कह रहे थे कि भाई अब जीत जाएंगे, अगला जीत जाएंगे, परसों जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे। मतलब कुछ तो सीख लो इनसे भाई, कुछ तो सीख लो। अबे भाई कोई गैरत है तुम्हारे अंदर, कोई शर्म है, कोई हया है? तुम इंसान हो? पता नहीं तुम कौन सी भाई, तुम तो जानवरों से भी गए गुजरे हो साला, जानवरों को भी शर्म आ जाती है अपने ऊपर कि भाई हम भी, हमारी भी कोई इज्जत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तो मतलब कसम खा ली कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हम जिंदगी में लौड़ा लेने के लिए आए हैं और लौड़ा ही लेके जाएंगे। क्यों खुद सोचो कि भाई यही ले रहे वो, कौन सा मैच ऐसा है कि जो पाकिस्तान ने जीतने की तरफ लिया है कि भाई ये मैच तो हमने जीतना ही जीतना है। भाई हर मैच में लौड़े लगा दिए। खैर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो, तुम लोग फ्री में वीडियो देखे जा रहे हो, सब्सक्राइब करो। पाकिस्तान लोगों की तो हम जरा देखते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑफिशियली तौर के ऊपर वर्ल्ड्स बिगेस्ट लूजर्स बन चुके हैं ना सीएज। और पिछले कोई 15-16 मैचों में से हमने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं। एक हमने जीता था श्रीलंका वाला, एक हमने जीता था ये डकवर्थ लुईस से जो न्यूजीलैंड वाला मैच था। मतलब खुद सोचो भाई ये कौन से लोड़े लसन लगे पड़े भाई, हमारी क्रिकेट तबाह बर्बाद हो चुकी है, दुनिया हमको हमारे ऊपर थूक रही है भाई। खुद सोचो दुनिया हमारे ऊपर थूक रही है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है भाई, जिसको ना कोई गैरत है, ना शर्म है, ना हया है, बेगैरतों की तरह यार ये जाते हैं खेलने के लिए, हार कर आ जाते हैं। आज तीसरा मैच हार गए। माशाल्लाह बॉलिंग हमारी हारिस रऊफ साहब भाई, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर, लौड़े लग गए वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर के। खुद सोचो कि भाई जितनी घटिया तरीन बॉलिंग उसने करवाई है, 4 ओवर में 60 रन दिए उसने, वो फिन एलन ने एलियन बन के नाजिल हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। और ये छक्के पे छक्का छक्के, अबे 16 छक्के भाई, कौन मारते आज कल क्रिकेट में 16 छक्के? मतलब खुद सोचो जिस बॉल को टच कर रहा है बस 16 पे जा रही है भाई। हारिस रऊफ से तो कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी 3 बॉलों के ऊपर पहले ओवर की, 3 मतलब जो हारिस रऊफ ओवर कर रहा था ओवर की पहली 3 गेंदों के ऊपर 21 रन आ गए थे, क्योंकि साला 3 वाइडे भी तो कराई थी ना, 3 छक्के खाए 3 वाइडे कराई तो 21 रन हो गए ना। हमें डर लग रहा था कि ये कहीं रिकॉर्ड विकॉर्ड ना टूट जाए, कोई 40-45 रन ना आ जाए ओवर के अंदर भाई, जितनी यहाँ खतरनाक बात हो रही थी। लेकिन वो शुक्र है क्या आखिरी 3 बॉलों के ऊपर जो है सिर्फ 2 रन आए, तो भाई बच गया उसका रिकॉर्ड, 24 रन आए फिर भी उस ओवर में। हाँ एक एक ओवर में यहाँ पर 24-25 रन खा रहे हैं यार पाकिस्तान वाले। कभी शाहीन आफरीदी को धो देते हैं, कभी हारिस रऊफ को धो देते हैं, ये फिन एलियन ना हो गए, पाकिस्तान के ऑफिशियल फादर बन के साबित हो गए भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। खुद सोचो मतलब इस झंडे की जितनी बेइज्जती शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम कर रही है ना, और कोई भी नहीं कर रहा। लोग कहते हैं हमारे लिए फखर की बात है, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई तुम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तुम पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हो। खुद सोचो कि भाई क्रिकेट में इस टाइम पे सबसे शायद घटिया तरीन कोई टीम है दुनिया में तो वो पाकिस्तान बनी हुई है भाई। अपने आप को कंपेयर करते हैं टीम इंडिया के साथ, अपने आप को कंपेयर करते हैं दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के साथ, तो भाई क्यों करते हो तुम? मत करो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। तुम साले लौड़े थे, लौड़े हो और लौड़े रहोगे। तुमने वर्ल्ड कप में बेइज्जती कराई, तुमने ऑस्ट्रेलिया में बेइज्जती कराई, वहां भी तुम 3-0 से हार के आ गए टेस्ट क्रिकेट में, और वहां पूरा तुमने खामखा 1 महीना जाया कर दिया, और अभी न्यूजीलैंड में गए हो तो वहां पर भी लौड़े लग गए। 3 मैचेस ऑलरेडी हार चुका है पाकिस्तान, 3 मैचेस यानी कि सीरीज जो है वो अभी न्यूजीलैंड ऑफिशियली तौर के ऊपर जीत चुका है। अब पाकिस्तान के पास ये इज्जत भी नहीं है कि सीरीज को ड्रॉ कर सके, पाकिस्तान के पास ये भी नहीं है कि भाई सीरीज में किसी तरीके से वापस आ सके। सीरीज ऑलरेडी हम हार चुके हैं न्यूजीलैंड में, इंडिया इज दी ओनली टीम जिसने न्यूजीलैंड को 5-0 से हराया हुआ है, नो वन एल्स जिसने ये काम किया है पहले। भाई खुद सोचो इतनी घटिया क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट खेल रही है, इतनी वाहियात क्रिकेट पाकिस्तान की टीम खेल रही है, और हम बार बार एक ही चीज लेके बैठे थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स नंबर 1 है, पाकिस्तान के फील्डर्स नंबर 1 है, पाकिस्तान के बैटर्स नंबर 1 है। भाई क्या करेंगे ऐसे नंबर 1 का, क्या करेंगे खुद बता दो अली भाई, तुम बता दो यार। लौड़े लगे पड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट के यार। यहाँ देखो एक तो सबसे अच्छा काम बाबर ने ये किया कि कप्तानी छोड़ दी, क्योंकि देखो बाबर आजम जो है वो शायद दुनिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी हैं। अगर वो किसी भी और टीम में होते, अगर सोचो विराट और बाबर दोनों यहाँ पर आ रहे होते इंडियन टीम के अंदर एक साथ, इंडिया की जर्सी पहने, इस जर्सी में आप बाबर आजम को देखते, आप बाबर को अबू बना के बैठे होते, चाहे आप पाकिस्तान से या इंडिया से हैं। लेकिन क्योंकि बाबर पाकिस्तान से एक ऐसी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं जिसको ना अपने क्रिकेट की परवाह है, जिसको ना अपने मुल्क की परवाह है, वो कैसे, बाबर भी यही बोलता होगा लंड पे चढ़े भेड़ चोदी क्रिकेट वाले, मैं अपनी सेंचुरी हाफ सेंचुरी बनाऊंगा, मैं अपने रिकॉर्ड्स बनाऊंगा, सुकून से जाके बैठूंगा। भाई पहली बात कप्तानी छोड़कर बाबर को मैंने इतना रिलैक्स कभी नहीं देखा, कप्तानी छोड़ने की वजह से उसका दिमाग का प्रेशर वेशर सब कुछ रिलीज हो गया भाई,
बाबर आजम फुल इंजॉय मस्ती कर रहा है, वो अपनी आजम खान के ऊपर कूद रहा है, उसके साथ उल्टा होके पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो बाबर आजम और मतलब जो टीम है ना वो सारी अलग अलग है, और ना सीरियस जब हैंडशेक करने के लिए जाते हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि बाबर आजम बिल्कुल अलग खड़े हुए हैं, टीम एक अलग है। मतलब बाबर टीम से जुदा है भाई, उसको लसन फर्क नहीं पड़ता, उसको लसन लोड़ा फर्क नहीं पड़ता कि भाई टीम हार रही है जीत रही है। वो कहता है कि मेरी 50 होनी चाहिए, मेरे रन निकलने चाहिए, मेरे ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए। और वो बहुत खुश है, वो इस टाइम पे यूं कर रहा है कि भाई कौन सा मेरे से कोई सवाल, को ना कमेंटेटर कोई सवाल कर सकता है, ना प्रेजेंटेशन में मुझसे कोई सवाल कर सकता है, मैं अपना मस्त माहौल से मिठे चौल में हूं, मेरे को पाकिस्तान टीम पे ऐसे लेने देना नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाबर पे क्रिटिसिज्म करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर तुम लोगों ने पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर देखा है तो पता चला होगा कि रिजवान साहब माशाल्लाह क्या किया है उन्होंने, पता चला होगा आजम खान गेंडा, पता चला होगा इफ्ती चाचा, पता चला होगा साइम अयूब। ओ भाई इनको किस लिए लेके गए हो, मतलब कुछ कर ही नहीं रहे भाई, ये अजीबो गरीब सी नस्ल हमने पाली हुई है। मतलब इफ्तिखार चाचा भाई कौन से मैच में चलोगे तुम, 50 मैचों में से किसी एक मैच में छक्का मार दोगे, नाम हो जाएगा जी इफ्ती चाचा, इफ्ती मेनिया, ऊपर से तुमको चाचू बोलते तुम गुस्सा कर जाते हो। भाई तुम्हारी रिटायरमेंट की उम्र 5 साल पहले गुजर चुकी है भाई, रिटायर हो जाओ, तुमसे रनिंग भी नहीं होती। आज भी जैसे इफ्तिखार चाचा आउट हुए हैं, क्या आप बताओ ये आउट होने वाला था? अभी बड़े विराट कोहली होता तो यहाँ पर 2 रन ले लेता, ये जितना यहाँ पर इफ्तिखार चाचा आउट हुए हैं विराट होता 2 रन ले लेता भाई। ये अजीबो गरीब इन लोगों ने नस्ल पा ली है कि भाई वो ना इफ्तिखार से दौड़ा नहीं जाता, आजम से मारा नहीं जाता। पता नहीं ये हैं किस बात के भाई फिटेस्ट क्रिकेटर्स, ये हैं किस बात के भाई क्रिकेटर्स। भाई खुद सोचो, जब रिजवान खेल रहा है तुम हसीबुल्ला को शामिल कर लो, हसीबुल्ला कम से कम दिखने में तो फिट है ना, भले उससे रन नहीं होंगे लेकिन कम से कम हम ये तो नहीं बोल सकते कि गेंडा दौड़ रहा है, गाय आ रही है पिच के ऊपर, हम ये तो नहीं बोल। अभी तो यही हो रहा है हमको यहाँ पर, जो है वो आजम खान कम और दौड़ती हुई गाय जो है ज्यादा लग रही है, क्योंकि भाई खुद सोचो हमने तो ऐसे रस्सा खोल के छोड़ दिया उसको, बल्कि गाय भी थोड़ी कमजोर कमजोर सी होती है, ये साला सांड है, सांड भी नहीं, ये बुल उसको क्या बोलते हैं वो जो भैंस का हस्बैंड होता है यार, भैंसा, ये भैंसा है भैंसा। इसको पता नहीं कौन सी चीज के लिए हम क्रिकेट में लेकर आए हैं, हमारी क्रिकेट की गांड मार के रखी हुई आजम खान ने यार, ये कौन सी दुनिया में अजीबो गरीब नस्ल हमने पाल रखी है पाकिस्तान, जिनको बस अपने आप से मतलब है कि हम आएंगे एक छक्का मारेंगे हमारा काम। आज भी आजम ने एक छक्का मारा, शीनू ने एक छक्का मारा, नवाजू ने 2 छक्के मारे, बॉब्जी ने 1 छक्का मारा, खुद ये छक्के सब मार रहे हैं, एक एक छक्का मार के आउट होके जा रहे हैं। वो बॉब्जी द लिड सॉरी बॉब्जी द किंग जो है आज भी 58 किए उसने, मतलब पिछले मेरे ख्याल से नंबर 3 पोजिशन के ऊपर उसकी ये 6 कंसेक्यूटिव 50 है उसकी, वो और क्या करे, मर जाए खुदकुशी कर ले। तो बाबर को क्रिटिसाइज करने वालों की तो खैर गांड में डंडा, जो बाबर मैं भी हूं तो मेरी भी गांड में डंडा, क्योंकि भाई बाबर को हम क्रिटिसाइज कर करके थक गए, अब हमसे क्रिटिसाइज नहीं हो, हमें पता ही नहीं था कि भाई बाबर आजम का कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान टीम का कसूर है। खुद सोचो वो अकेला क्या करे भाई, वो अकेला क्या, अपनी तरफ वो अपना गेम, उसका गेम ही यही है भाई, वो कोई क्रिस गेल नहीं है, वो रोहित शर्मा नहीं है, वो विराट कोहली नहीं है, उसका जो गेम है जो उसका दिमाग है, जितना वो खेल सकता है उतना वो खेल रहा है, उतना वो अपनी तरफ से पूरी परफॉर्मेंस दे रहा है। इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो बाबर से कि बाबर आएगा आखिरी जो है वो 30 बॉलों में 100 रन चाहिए तो बाबर छक्का मार के जिता के जाएगा, भाई इस तरह नहीं होगा। बाबर आपको छक्का मार के नहीं जिता सकता है भाई, वो रन को लेके चलेगा, किसी और का काम है कि वो आए आके रन्स बनाए, तेजी से रन्स बनाए, छक्के छक्के मारे और फिर पाकिस्तान टीम को जिताए। बॉब्जी द किंग का ये काम नहीं है भाई, बॉब्जी द किंग जो है वो अपना काम बड़े सुकून से कर रहे हैं, उनका काम यही है कि भाई खाओ पियो 50 बनाओ जाके सो जाओ। अभी भी आप देखो लोग हैं वो बॉब्जी को द किंग को जो है क्रिटिसाइज करेंगे, वैसे क्या भैन जो बॉब्जी द किंग, किंग की बेइज्जती है सारा किंग को लगाना का, पाकिस्तान ने अपना एक किंग बनाया हुआ है जी, जिस तरीके से वो एफिल टावर बना हुआ है ना फ्रांस के अंदर, तो लाहौर में एक और एफिल टावर बना हुआ है। हम हर चीज अपनी खुद बना लेते हैं भाई, हमको दुनिया से लेना देना, दुनिया में अगर कहीं पर वो क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट है तो हम भी यहाँ पर माउंट एवरेस्ट बना लेंगे, हमारा अपना चलता है। दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी आप कह लो कि मूवी बन रही है तो हम अपनी मूवी, हमारी हमारे लिए हमारी चीज सबसे बेस्ट है, हमारे लिए हमारा बॉब्जी द किंग सबसे बेस्ट है। अजीब ही चूतिया दिमाग बनाया हुआ है भाई, कुछ सीखो यार, सीखो इनसे कि कैसी परफॉर्मेंस दी जाती है, सीखो इनसे कि कैसे टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकाला जाता है। अजीब ही पाकिस्तान की टीम, अगर कोहली अकेला रन करता है ना तो भाई उसके साथ भी कोई ना कोई होता है, पूरी की पूरी इंडियन टीम फारिग नहीं है, कभी आपका पंड्या चल जाता है, कभी ईशन किशन चल जाता है, कभी रोहित शर्मा चल जाता है, कभी जायसवाल चल जाता है, कभी रिंकू सिंह चल जाता है, कभी जितेश शर्मा चल जाता है, कभी वो कौन है आजकल नया एक लंड आया यार शिवम दुबे। तो भाई इंडिया की टीम के अंदर ऑलरेडी इतने लड़के मौजूद है कि कभी ना कभी कोई चल ही जाता है विराट के साथ,
अकेला कोई नहीं चलता, विराट भी अकेला जो है बहुत कम चला होगा, जब पाकिस्तान को मारना वारना होगा तब इसके अंदर कोई अजीब ही आत्मा आ जाती है तो ये तब चल जाता है, वरना दुनिया में अगर आप देखोगे विराट के साथ कोई ना कोई हमेशा साथ देता है, कोई ना कोई उसके बाजू में खड़ा होता है कि भाई तुझसे नहीं होगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये पाकिस्तान के वाले इस बात को समझेंगे नहीं। खैर दिमाग फट गया हमारा ये बातें करके कि भाई अगर तुम लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।